हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिना कामरान जी। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मदर्स डे, और सब माओं को मेरी तरफ से अगेन हैप्पी मदर्स डे जी। तो आप जानते हैं कि मैं आपके साथ फैमिली व्लॉग्स, रेसिपी, रेमेडी वगैरह शेयर करती हूँ, लेकिन आज मैं आपके साथ एक व्लॉग लेकर आई हूँ मदर्स डे के हवाले से। चंद बातें हैं तो मैं अपनी माओ के लिए कहना चाहूँगी। माओ का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूँ, तो इसलिए मेरी मदर इन लॉ और मेरी मामा। तो माँ का लफ्ज़ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं माँ का लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं अपनी माँ के लिए कुछ कहना चाहूँगी। तो मैं अपनी मामा से बहुत प्यार करती हूँ। आई मिस यू, आई लव यू सो मच मामा। और आई मिस यू इसलिए बोल रही हूँ कि मैं मैरिड हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो मेरी मामा मलाकंड में रहती हैं, फ्रंटियर एरिया में, और मैं कराची में हूँ। तो इसलिए आई मिस यू का लफ्ज़ यूज़ किया। और दूसरी तरफ मैं अपनी सासू माँ के लिए कुछ लफ्ज़ बोलना चाहूँगी। आई वेरी मिस यू मामा, आई वेरी मिस यू माँ, क्योंकि वो नहीं हैं और उनकी डेथ हो चुकी है। मैं उनके लिए बहुत दुआ हूँ और चाहती हूँ कि वो खुदा उन्हें अच्छी जगह दे, और शायद कि वो हमारे साथ होती तो ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता और ज़्यादा अच्छा टाइम उनके साथ गुजार सकते हैं हम लोग। और बस आई मिस यू। तो ये है कि माओ, हम बाज़ औक़ात अपनी माओ को कहते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया। हमें ये लफ्ज़ बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि आपने मेरे लिए क्या किया। अबे उनके तो एक रात का हम एक रात का मोल नहीं दे सकते। वो रात जब वो गीले पे सोई और हमें उन्होंने सूखे पे सिलाया, खुद वो गीली जगह पे लेट गई, हमें उन्होंने ड्राई जगह पे लटा दिया, उसे एक रात का मोल हम नहीं दे सकते। हम आज बोल रहे हैं तो किसकी वजह से बोल रहे हैं? उन्होंने हमें पैदा किया, उन्होंने पढ़ाया फुलाया, उन्होंने हमें इस काबिल बनाया। शुक्र करती हूँ खुदा का कि खुदा ने हमें इस ज़मीन पे माँ बाप दिए। सब कुछ खुदा के वसीले से ही होता है, लेकिन खुदा किसी को वसीला बना के भेजता है। तो तमाम दुनिया में खुदा ने माओ को भेजा हमारे लिए, बाप को भेजा, माँ को भेजा। तो शुक्र करती हूँ खुदा का, माँ जैसी हस्ती हम तमाम लोगों के पास है, जिनके पास नहीं भी है, और उनके लिए दुआ को हूँ खुदा उनको बहुत अच्छी जगह दे। और प्लीज़ अपनी माँ की कदर कीजिए, क्योंकि ये तभी इंसान को पता चलता है, पहले पता नहीं चलता, ये तभी इंसान को पता चलता है जब हम दूर हो जाते हैं माँ से। चाहे शादी करके हो, चाहे जैसे कि मैं आई हूँ, चाहे शादी करके आ जाए, तमाम लड़कियाँ आती हैं शादी करके, और जैसे कि शादी करके इंसान जुदा हो जाता है, थोड़ा सा जुदा नहीं होता, आई एम सॉरी, जुदा नहीं होता, लेकिन ये है कि थोड़ा सा दूर हो जाता है, अपने माँ बाप के घर को छोड़ के अपने घर अपने ससुराल आ जाते हैं, तो वही लड़की का असल घर होता है। तो फिर भी दूरी तो थोड़ी सी आ ही जाती है, तो इसलिए या तो उस वक्त पता लगता है इंसान को कि माँ की क्या अहमियत है, माँ हमारे लिए, माँ ने क्या किया, या इंसान खुद जब माँ बनता है, या जब इस दुनिया से माएँ रुखसत हो जाती हैं, तो तब तो माँ की कदर कीजिए। ये नहीं कि उनके जाने पे, उनके होते हुए उनकी कदर कीजिए, कि बाद में हम ये ना कह सकें कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो प्लीज़ इस मदर्स डे पे मेरा इस छोटा सा पैगाम है सब के लिए कि माँ की कदर कीजिए। सब माओ को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे अगेन, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलती हूँ, नई वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो के एंड में मेरी मामा की और मेरे चाइल्डहुड की पिक्स हैं, और पिक है एक और मेरी मदर इन लॉ की। ओके, गॉड ब्लेस यू टू ऑल।